वेलकम टू येट अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ ओ वुमनिया। आज हमारे साथ है सृष्टि प्रगत जी, जो बताएंगे हमें वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ एनजीओ स्काई सोशल। तो आइए जानते हैं हम वुमेन डेवलपमेंट और उनके राइट्स के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि एनजीओस क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। जी, एनजीओस का फुल फॉर्म जैसे कि होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो काम वही करती है जो शायद सरकार कर रही है, बट ये एक अलग एंटिटी होती है, यानी कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, तो जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कई बार कुछ गैप्स आते हैं, जैसे सरकार हर जगह नहीं पहुँच सकती। तो एनजीओस का काम बेसिकली यही होता है, क्योंकि हम लोकल लेवल पे काम करते हैं, वी अंडरस्टैंड वहाँ का लोकल पॉपुलेशन। सो समवेयर हम कई बार इसलिए आप सुनते हैं कि एनजीओस गवर्नमेंट के साथ भी काम करती है। सो इट्स जस्ट टू काइंड ऑफ हेल्प द गवर्नमेंट कि वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली कर सकें, एंड वी आल्सो काइंड ऑफ सजेस्ट गवर्नमेंट्स कि कैसे पॉलिसीज वगैरह बेहतर बन सकती हैं। सो दैट्स हाउ एनजीओस आर डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। या ओके मैम, आप भी एक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, स्काई सोशल। तो स्काई सोशल बेसिकली है क्या, वो किस चीज़ के लिए वर्क करता है? जी, स्काई सोशल बेसिकली यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें जब हमने शुरू किया था तो हम सिर्फ 2-3 लोग थे। आज हमारी बहुत अच्छा यूथ बेस्ड सेटअप हो चुका है। हमने जब शुरू किया था तो हमने विमेन राइट्स पे काम करना शुरू किया था, यानी कि जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम कर रहे थे। और ये काम हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ कर रहे थे। यानी कि हम मध्य प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स कर रहे थे, यानी कि महिलाओं को उनके अधिकार बताना, उनके लीगल राइट्स बताना, और ये बताना कि वो इक्वल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें इक्वल राइट्स दिए हैं, बट वो उसको समझें, एंड देन अगर कोई भी वायलेंस है या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी तरीके का, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अभी कुछ एक महीने से हम यूनिसेफ के साथ काम कर रहे हैं, जिसको लेकर हमने कैंप भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें हम यूथ को मोबिलाइज कर रहे हैं बच्चों के राइट्स के लिए। सो दैट्स एन एडवोकेसी प्रोग्राम विद यूनिसेफ जो हम कर रहे हैं। आप चाइल्ड और वुमेन के बारे में इतनी नॉलेज है, तो आप थोड़ा बताइए कि चाइल्ड्स के राइट्स क्या है या वुमेन राइट क्या है, और कहाँ पे अपन लैग कर रहे हैं पीछे सोसाइटी में। जी जी बिल्कुल। तो हम पहले चाइल्ड राइट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। चाइल्ड राइट्स में UNCRC बेसिकली एक कन्वेंशन है जो कि यूनाइटेड नेशन ने बनाया है। ये वो कन्वेंशन है जहाँ बच्चों के अधिकारों को लिस्ट डाउन किया गया है। अच्छा। यानी कि इंडिया एक सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन को, यानी कि इंडिया ने साइन किया है इस कन्वेंशन पे। तो जब कोई कंट्री इसको साइन करती है तो उनको उसके हिसाब से कुछ ऐसे लॉज और पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं जो बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। सो क्योंकि ये इंडिया ने साइन किया है, और इंडिया के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ ने इसको साइन किया है, तो इसमें 4 मेजर राइट्स हैं बच्चों के। एक राइट टू सर्वाइवल, यानी कि जीने का अधिकार। इसके अंदर फिर बहुत सारे अधिकार आते हैं। फिर आपका होता है राइट टू पार्टिसिपेशन, यानी कि बच्चों की आवाज़ें अक्सर नहीं सुनी जाती हैं, यू नो, उनके भी ओपिनियंस हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं बच्चे समझ के। सो एक ये पार्टिसिपेशन का राइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ लॉज भी बनते हैं बच्चों के, तो उसमें बच्चों की कोई एडवाइस ही नहीं ली जाती, बिकॉज वो यू नो लीगली वोट भी नहीं कर सकते। सो दे कांट इवन चूज देयर पॉलिटिकल पार्टीज। सो कहाँ बच्चों की आवाज़ सुनी जाएगी? सो ये एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है। एक राइट होता है राइट टू प्रोटेक्शन का, कि जितने भी वायलेंस है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, उससे बच्चों का वायलेशन मतलब प्रोटेक्टेड रहे, वो एक वो है। और फिर एक डिवेलपमेंट का राइट है, यानी कि एजुकेशन उसमें आता है, अलग अलग तरह का जो भी डिवेलपमेंट हो सकता है बच्चे के लाइफ में, वो एक चौथा राइट होता है। सो ये कन्वेंशन ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरे राइट्स को लिस्ट डाउन किया है, जो कि किसी भी बेसिस पे आप बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। लाइक एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन ऑल दीज राइट्स। सो ये कन्वेंशन का ऐसा कहना है। इसके अलावा हम विमेन राइट्स पे काम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप की थी, अगर आपको पता हो, डायलॉग पे, जहाँ पे हमने बेसिकली यूथ को बुलाया था उनको ये बताने के लिए कि जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। हम सब बोलते हैं कि आज भी जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी इज समथिंग जिसपे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बट एग्जैक्टली जेंडर क्या है,
राइट लोगों को ये नहीं पता होता है कि जेंडर क्या है. और आज हमारे समाज में महिलाओं और लड़कियों के साथ जितने भी वायलेंस हो रहे हैं, चाहे वो घरों में हो, बाहर हो या वर्क प्लेसेस पे हो, सोशली, हाँ, तो उसका हम ये समझते हैं अरे ठीक है यार लड़की है इसलिए उसके साथ हो रहा है, बट नहीं, इसके पीछे गहरा माइंडसेट है जो शायद हम नहीं समझते हैं, विच इज़ द अनइक्वल पावर रिलेशंस. यानी कि हमारे यहाँ पावर डायनामिक्स हैं, यानी कि मेन सुपीरियर है हमारी सोसाइटी में. एग्जैक्टली, पेट्रियार्की इज व्हाट यू कॉल दैट. सो वो चीज़ हमारे यहाँ बहुत प्रेविलेंट है. सो कई चीज़ों पे हमने जेंडर इक्वालिटी अचीव किया है, वेदर यू टॉक अबाउट एजुकेशन, यू टॉक अबाउट हेल्थ. बहुत लड़कियाँ आगे आ रही हैं, वो अचीव कर रही हैं जो लड़के शायद अचीव कर रहे हैं आज, बट इसका पैटर्न चेंज हो गया है. देयर इज अ बैकलैश नाउ, क्योंकि हम लड़कियां हमारे कन्फाइंड जेंडर यू नो नॉर्म्स से बाहर आ रहे हैं, तो सोसाइटी इज अनेबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट अच्छा लड़कियां भी ये कर सकती है, यू नो. सो देयर इज अ बैकलैश फ्रॉम द सोसाइटी व्हिच इज एक्चुअली प्रेविलेंट टुडे. अदर देन दैट देयर इज जेंडर पे गैप स्टिल टुडे. वुमेन एंड गर्ल्स आर द वन जिनसे शायद पहले सवाल किया जाता है कि यू नो अच्छा 25 की हो गई हो, शादी कब होगी. शायद हम ये सवाल लड़कों से नहीं करते हैं. शादी के बाद बच्चे होते हैं तो अरे बच्चे होने के बाद भी काम करोगी, फिर बच्चे कौन संभालेगा. सो अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखेंगे तो विमेन आज भी 6 times मोर वर्क करती हैं घर के कामों में, हाउस होल्ड वर्क, एज कम्पेयर टू मैन. सो समहाउ जितनी भी स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में, नॉर्म्स हैं, वो कहीं ना कहीं महिलाओं और लड़कियों के राइट्स को वायलेट कर रहा है, दैट वी आर एक्चुअली नॉट अंडरस्टैंडिंग. सो इससे मेन का भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है, मर्दानगी का कॉन्सेप्ट होता है, विच वी ऑलवेज टॉक अबाउट, कि मर्द रो नहीं सकते हैं, दे हैव टू बी स्ट्रांग, दे हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, बट ये उनको भी हार्म कर रहा है. सो अगर आप किसी को इमोशंस फील नहीं करने देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो हाथ नहीं उठाएगा अपनी वाइफ पे. और हाथ आप अपने बॉस पे नहीं उठा सकते ना, हाथ आप उसी पे उठा सकते हैं जिस पे शायद आपका थोड़ा यू नो यू. हाँ एग्जैक्टली. सो दिस इज व्हाट वी टीच देम, वी टेल देम अबाउट देयर लीगल राइट्स, कि अच्छा आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सो देयर इज दिस एक्ट, एक लॉ है, अ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो आपको अलग अलग फॉर्म ऑफ वायलेंस के खिलाफ आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं. सो when the constitution is giving you this right, तो आप क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं. सो दिस इज़ वॉट वी बेसिकली वर्क फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. या मैम इतनी कम एज में, लाइक यू आर सो यंग और आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही, एक एनजीओ चला रही, तो इसके पीछे आइडिएशन कैसे हुआ, क्या क्या ऐसा इंसिडेंट था कि आपने सोचा कि नहीं अब आई हैव टू स्टार्ट अ एनजीओ, मुझे लोगों के लिए काम करना है. जी जी, आई थिंक ये सवाल मुझसे सभी लोग हमेशा पूछते हैं जब भी मैं ऐसे जाती हूँ. सो बेसिकली थॉट ये था कि जब मैं लंदन में थी, मैं अपना मास्टर्स कर रही थी, तो मैंने अपना डिसर्टेशन का टॉपिक ही चूज़ किया था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इन मध्य प्रदेश. तो मैं चाहती थी कि आज जिस स्टेट से मैं आती हूँ, क्यों ना पहले वहाँ मैं जानूँ कि वहाँ क्या है सिचुएशन आज की. तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड और शॉक थी जान के कि अरे आज भी यू नो इट्स नॉट दिल्ली, हम दिल्ली को मानते हैं, बट मध्य प्रदेश बहुत सारे क्राइम रेट्स में ऊपर था. तो एक थॉट ये था. उसके बाद मैं दिल्ली में थी 1.5 साल के समय के लिए, जहाँ मैंने अलग अलग इंटर्नशिप्स की थी, UN वुमेन के साथ इंटर्नशिप भी की थी. तो वहाँ पर भी कुछ रिसर्च ऐसी थी जो जानी और समझा कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं. तो देन आई रियलाइज कि क्यों ना अपने ही स्टेट में जाकर, अपने ही घर में जाकर, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो वहीं पे करें. सो दैट्स हाउ द आइडिया केम अप, स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स द आइडिया, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. या थैंक यू सो मच मैम आपका टाइम देने के लिए हमें. और आई एम द फाउंडर एंड चेयरपर्सन एट स्काई सोशल, एंड वी वर्क फॉर वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स. एंड अगर आपने अभी तक ओ विमेनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, तो जल्दी जाइए, क्या वेट कर रहे हैं आप, जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए. ओ विमेनिया, ओ विमेनिया, ओ